हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज हम सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की एक बहुत ही इमोशनल चिट्ठी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। सुशांत की मौत को 59 दिन बीत चुके हैं और उनकी मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है। अभी उनकी मौत की जांच आत्महत्या मानकर हो रही थी, लेकिन अब उनके परिवार ने यह आरोप लगाया कि सुशांत की हत्या की गई है। यह आरोप सिर्फ सुशांत का परिवार ही नहीं बल्कि उनके वकील भी देश की सबसे बड़ी अदालत में लगा रहे हैं। सुशांत सिंह की मौत का पूरा सच आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन आज मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले हम उस चिट्ठी की बात करेंगे जो सुशांत के परिवार की तरफ से जारी की गई है। आप सुबह से इस चिट्ठी को टीवी और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे, इसमें लिखे शब्दों को सुन रहे होंगे, लेकिन इस चिट्ठी में लिखी गई बातों की गहराई आपको समझाई या बताई नहीं गई है। मास्टर स्ट्रोक में हम आपको चिट्ठी में लिखे एक एक शब्द के पीछे की कहानी बताएंगे। ये चिट्ठी बहुत भावुक शब्दों में लिखी गई है, संकेतों में बहुत सारी बातें कही गई है। इसमें किसी का नाम नहीं है, ना रिया का नाम है, ना उसके परिवार के किसी सदस्य का नाम है, ना मुंबई पुलिस का, ना महाराष्ट्र की सरकार का, लेकिन निशाना सब पर है। इस चिट्ठी में ठग, लालची, हनी ट्रैप, अंग्रेजों का वारिस, जनरल डायर और बहुत सारे नाम लिए गए हैं, और इशारों इशारों में ये भी बता दिया गया है कि ये किसके लिए कहा गया है। सुशांत के परिवार के इस बयान का हमने बारीकी से अध्ययन किया है और आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है। चिट्ठी में सबसे पहले उन लोगों की बात की गई है जो सुशांत की मौत के बाद खुद को उनका दोस्त या करीबी बता रहे हैं। पहली रिपोर्ट आपके सामने। टीवी अखबार पर अपना नाम चमकाने की गरज से कई फर्जी दोस्त भाई मामा बन अपनी अपनी हाँक रहे हैं। ऐसे में बताना जरूरी हो गया है कि आखिर सुशांत के परिवार होने का मतलब क्या है। क्या ये बातें उन लोगों के लिए कही गई जो आए दिन टीवी पर आकर सुशांत मामले में अपनी अपनी तरह की बातें कर रहे हैं? ये बात आपने भी नोट की होगी, जब से सुशांत की मौत हुई है हर रोज टेलीविजन चैनल्स पर बहुत से लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। चिट्ठी बड़ा स्पष्ट है क्या कहना चाह रहा है। चिट्ठी ये कहना चाह रहा है कि जब सुशांत का परिवार का माने है कि सुशांत की चार बहनें और उसके पिताजी, दैट इज ऑल दैट सुशांत की फैमिली का मतलब है। बाकी कोई अगर अपने आपको क्लेम कर रहा है कि मैं परिवार वाला हूं, क्योंकि होता क्या है ना, परिवार वाला क्लेम करके कुछ स्टेटमेंट दे दे तो लगता है इसे सुशांत के परिवार का स्टेटमेंट है। वही इस चिट्ठी ने ये दर्शाया है कि सुशांत के परिवार का स्टेटमेंट का मतलब है कि सिर्फ चार बहनें और पिताजी, उसके अलावा कोई सुशांत के परिवार के बिहाफ पे बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। तो सुशांत के परिवार के वकील ने ये कहा कि चिट्ठी ये समझाने के लिए लिखी गई है कि परिवार का मतलब क्या है। चिट्ठी में आगे सुशांत के परिवार, उनकी माँ, पिता, बहनों का जिक्र तो है, लेकिन साथ ही लालचियों का झुंड लिखा है। तो क्या लालचियों का झुंड रिया और उनके परिवार के लिए है? सुशांत के परिवार को पहला झटका तब लगा जब माँ असमय चल बसी। फैमिली मीटिंग में फैसला हुआ कि कोई ये न कहे कि माँ चली गई और परिवार बिखर गया, सो कुछ बड़ा किया जाए। सुशांत के सिनेमा में हीरो बनने की बात उसी दिन चली। अगले 8-10 साल में वो हुआ जो लोग सपनों में देखते हैं, लेकिन अब जो हुआ है वो दुश्मन के साथ भी न हो। एक नामी आदमी को ठगों, बदमाशों और लालचियों का झुंड घेर लेता है। इलाके के रखवाले को कहा जाता है कि बचाने में मदद करे। अंग्रेजों के वारिस है, एक अदना हिंदुस्तानी मरे, इन्हें क्यों परवाह हो? क्या ठगों, बदमाशों, लालचियों के झुंड का मतलब रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार है? क्या इलाके के रखवाले का मतलब मुंबई पुलिस है, जिससे सुशांत के पिता और जीजा ने 28 फरवरी को इस मामले को देखने के लिए कहा था? और क्या अंग्रेजों के वारिस भी मुंबई पुलिस को कहा गया है? क्योंकि ये कहा जाता है कि भारतीय पुलिस की मानसिकता अभी तक अंग्रेजों जैसी है और इंडियन पीनल कोड भी अंग्रेजों के जमाने यानी 1860 का बना हुआ है।
इसके बाद चिट्ठी में सुशांत की मौत का जिक्र है। ये कहा गया है कि परिवार को जो डर पहले से सता रहा था वो सही साबित हुआ। चिट्ठी के इस अंश में अंग्रेजों के वारिस और जनरल डायर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो ये किसे कहा गया है, अब इसे समझिए। चार महीने बाद सुशांत के परिवार का भय सही साबित होता है। अंग्रेजों के दूसरे वारिस मिलते हैं, दिव्य चक्षु से देखकर बता देते हैं कि ये तो जी ऐसे हुआ है, व्यवहारिक आदमी है, पीड़ित से कुछ मिलना नहीं सो मुलजिम की तरफ हो लेते हैं। अंग्रेजों के एक और बड़े वारिस तो जलियांवाला फेम जनरल डायर को भी मात दे देते हैं। सुशांत के परिवार को कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया, होता रहता है, कोई बात नहीं, ऐसा करो कि 5-10 मोटे मोटे लालों का नाम लिखवा दो, हम उसका भूत बना देंगे। 4 महीने बाद सुशांत की मौत हो जाती है। क्या यहाँ अंग्रेजों के दूसरे वारिस का मतलब पुलिस का कोई दूसरा आला अधिकारी है? यहाँ ध्यान दीजिए, एबीपी न्यूज ने खुलासा किया था, मुंबई के एक बड़े अधिकारी ने सुशांत के पिता को फोन किया था। तो क्या उस अधिकारी को सुशांत का परिवार जनरल डायर की तरह बता रहा है? और परिवार ये कह रहा है कि उस अधिकारी ने सुशांत के पिता से कहा कि सुशांत पागल था और इसी कारण उसने सुसाइड कर लिया। तो क्या इसका मतलब यह भी है उस अधिकारी को पता था कि मामला आगे बढ़ेगा, इसीलिए उसने मामले को दूसरी ओर टालने भटकाने की बात कर दी? और क्या इसीलिए मुंबई पुलिस पहले दिन से नेपोटिज्म की तरफ अपनी जांच को ले जा रही थी? कई तरह की बातें आ रही हैं, कई तरह के सवाल खड़ा हो रहा है। तो स्वाभाविक एक पिता को लग रहा है कि वो आत्महत्या नहीं किया जबकि बल्कि उसकी हत्या की गई है, और इसमें बड़े बड़े बिग लोग इसमें संलिप्त नजर आ रहे हैं। तो अगर उन्होंने पत्र लिखा तो कोई बुरा तो नहीं किया। तो आपने जो ये चिट्ठी देखी उसमें एक शब्द सुना होगा, मोटेलाल। ये कहा गया कि जनरल डायर ने कहा कि 5-10 मोटे मोटे लालों का नाम लिखवा दो, हम उसका भूत बना देंगे। अब आपको पता चलेगा कि जब सुशांत के परिवार ने मोटे लालू का नाम नहीं लिया तो क्या हुआ। चिट्ठी में आगे फैशन परेड का जिक्र आएगा, इसे आप मोटे लालू से जोड़कर समझने की कोशिश कीजिएगा। सुशांत के परिवार को शोक मनाने का भी समय नहीं मिलता। हत्यारों को ढूंढने के बजाय रखवाले उसके मृत शरीर की फोटो प्रदर्शनी लगाने लगते हैं। उनकी लापरवाही से सुशांत मरा, इतने से मन नहीं भरा तो उसकी मानसिक बीमारी की कहानी चलाकर उसके चरित्र को मारने में जुट जाते हैं। सुशांत के परिवार ने मोटे लालों का नाम नहीं लिया तो क्या हुआ। अंग्रेजों के वारिस हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सो फैशन परेड में जुट गए। क्या इन बातों के जरिए ये कहा जा रहा है कि जब मुंबई पुलिस को इस मामले में सुशांत के पिता की तरफ से कोई मदद नहीं मिली और सुशांत के परिवार ने बॉलीवुड के किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम नहीं लिया तो मुंबई पुलिस ने अपनी जांच को खुद ही बढ़ाते हुए फिल्मों से जुड़े लोगों को बुलाकर पूछताछ करनी शुरू कर दी, जिसे इस बयान में फैशन परेड का नाम दिया जा रहा है। सुशांत के परिवार की चिट्ठी में अगली चौंकाने वाली बात थी हनी ट्रैप। यहां किसी का नाम नहीं लिया गया लेकिन साफ साफ पता चल गया कि ये किसके लिए कहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हनी ट्रैप के साथ मुंबई पुलिस को भी जोड़ा गया है। सुशांत के परिवार के सब्र का बांध तब टूटा जब महीना बीतते न बीतते महंगे वकील और नामी पीआर एजेंसी से लैस हनी ट्रैप गैंग डंके की चोट पर वापस लौटता है। सुशांत को लूटने मारने से तसल्ली नहीं हुई तो उसकी स्मृति को भी अपमानित करने लगता है। उनकी बारात में रखवाले भी साफा बांधे शरीक होते हैं। क्या इस बयान के जरिए ये बताने की कोशिश हो रही है कि रिया एंड फैमिली के प्रोटेक्शन में कई पीआर एजेंसीज शामिल होती हैं? क्या जैसी खबर आई थी कि रिया ने 2 बड़ी फिल्मी हस्तियों को फोन कर उनसे मदद की मांग की थी और इस बयान के जरिए उसे साबित करने की कोशिश की जा रही है? बारात में साफा बांधे शरीक होने के जरिए क्या सुशांत के मैनेजर उसके साथ रहने वालों पर निशाना साधा जा रहा है? ये स्टेटमेंट का सिर्फ एक मतलब है,
मतलब ये है कि जो उनके परिवार पे जो उछाला जा रहा है, कीचड़ उछाला जा रहा है, एक एक इतनी बड़ी दुखद घटना के बाद भी लोग इतनी इनसेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं और परिवार के सदस्यों पर तरह तरह के सवालिया निशान उठा रहे हैं, ये सिर्फ उसको समझाने के लिए है कि क्या परिवार का क्या मतलब है, क्या महत्व है और कितना परिवार कितना जुड़ा हुआ है एक साथ, कभी बिखरा नहीं था परिवार जिस तरह की वो लोग उसको दिखाना चाह रहे हैं। और जैसा कि हम आपको शुरुआत से बता रहे हैं कि ये चिट्ठी बहुत सोच समझकर और बहुत भावुकता से लिखी गई है। चिट्ठी में खासतौर पर कानूनी पेचीदगियों पर भी सवाल उठाए गए हैं और ये साफ कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। सच्ची घटनाओं से प्रेरित उपन्यास गॉडफादर में उसके माफिया किरदार डॉन कोर्लियोन ने कहा, अमेरिका एक सुंदर देश है, यहाँ कानून का राज है। सवाल सुशांत की निर्मम हत्या का है। सवाल ये भी है कि क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे। इससे भी बड़ा सवाल है कि अपने को एलीट समझने वाले, अंग्रेजियत में डूबे पीड़ितों को हिकारत से देखने वाले नकली रखवालों पर लोग क्यों भरोसा करें। अपने बयान में सुशांत का परिवार साफ कह रहा है कि सुशांत की हत्या हुई है और उसके लिए वो निर्मम शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। कल सुशांत के पिता के वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुशांत के गले पर बेल्ट के निशान हैं। तो क्या सुशांत के परिवार को लग रहा है कि रिया की तरफ से रखे गए महंगे वकील मामले को डाइवर्ट कर देंगे और हत्या को आत्महत्या में तब्दील कर देंगे? क्या एलीट और अंग्रेजियत में डूबे परिवार के जरिए रिया एंड फैमिली पर निशाना है? देखिए, हाल ही में ऐसी खबरें आई जिसमें यह बताया गया कि सुशांत की अपनी बहन से लड़ाई हुई थी, पिता से वो बात नहीं करते थे। कुल मिलाकर सुशांत के परिवार पर कई तरह के लांछन लगाए गए। आज जो चिट्ठी आई उसमें इसका भी जिक्र किया गया और जवाब भी दिया गया। सुशांत के परिवार जिसमें चार बहनें और एक बूढ़ा बाप है, उनको सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। एक एक कर सबके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत से उनके संबंधों पर सवाल उठाया जा रहा है। तमाशा करने वाले और तमाशा देखने वाले ये न भूले कि वो भी यही है। अगर यही आलम रहा तो क्या गारंटी है कि कल उनके साथ ऐसा नहीं होगा? सुशांत और उनकी बहन प्रियंका को लेकर जो दावे रिया के वकील ने किए थे कि उनके संबंध ठीक नहीं है, क्या ये उस पर चोट है? अगर मुझे लगता है कि हमसे कोई चूक हो गई है तो मैं जरूर उस बारे में सोचूंगा, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी के आधार पर मैं बोलता हूँ। जैसे परिवार के पास कुछ जानकारी है और उस आधार से बिहार से वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वैसी जानकारी मुंबई में आती है। सुशांत के परिवार की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक तरफ सुशांत का परिवार इसे हत्या बता रहा है, दूसरी तरफ इसे चिट्ठी के जरिए बॉलीवुड में किसी गैंग की ओर इशारा किया गया है। हम देश को उधर लेकर क्यों जा रहे हैं जहां अपने को जागीरदार समझने वाले अपने गुर्गों से मेहनत कशों को मरवा देते हैं और सुरक्षा के नाम पर तनख्वाह लेने वाले खुलेआम बेशर्मी से उनके साथ लग लेते हैं। क्या ये आरोप है कि बॉलीवुड के कुछ लोग गैंग चलाते हैं और वो लोगों का मर्डर भी करवाते हैं और मुंबई पुलिस ऐसे लोगों की मदद भी करती है?